हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिलीप कुमार, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कुमार दिलीप इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, एज यू नो दैट इन लास्ट क्लास आई टॉट यू अबाउट पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस, हाउ आर द हिंदी सेंटेंसेस ट्रांसलेटेड ऑन पास्ट परफेक्ट टेंस। आई मीन यू अंडरस्टैंड क्लियरली अबाउट द टर्म्स ऑफ हायर एक्शन थर्ड फॉर्म। इन टुडेस वीडियो आई एम गोना फोकस ओवर सेंटेंसेस विच आर कंटिन्यू इन पास्ट टेंस। How were the sentences translated on past perfect continuous tense? Since long time, we'll focus today. दोस्तों, sentences ऐसे जो past perfect continuous tense में बनाए जाते हैं, कैसे उसको पहचानते हैं, क्या उसके rules होते हैं, क्यों हमको बनाने की जरूरत होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्यों से question करिए, हम क्यों कोई sentence बनाए past perfect continuous में। भाई, क्या उसको हम past continuous में बना देंगे तो sentence नहीं हो जाएगा clear? नहीं। कभी कभी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, सेंटेंसेस सिमिलर होते हैं लेकिन आपके रूल्स बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं, इसी पर चर्चा करना है आपको आज की वीडियोस में के माध्यम से। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनाए जाते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनाए जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, कंटिन्यू का मतलब जारी होना। पहले से ही कंफर्म है कि कंटिन्यूअस में सेंटेंस तभी बनाया जाता है जब कोई सेंटेंस जारी है। जारी वाले सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस में तो बनाते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहने का इसका क्या तात्पर्य है। ध्यान दीजिएगा जरा, कोई सेंटेंस जारी था पास्ट में, फलाना कोई कार्य कर रहा था, वे लोग दौड़ रहे थे, वह खेल रहा था, मैं पढ़ा रहा था, आप वीडियो देख रहे थे, यही वो सेंटेंस है जो कंटिन्यूअस में है। लेकिन क्या यही पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में है कि नहीं है, कैसे क्लियर होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा था, मैं खेल रहा था, जितना सेंटेंस बोला हूं, ये सेंटेंस हमारा पास्ट में एकदम ओरिजिनल स्टेटस बता रहा था पास्ट टेंस का, कि कोई क्रिया किसी समय पर हो रही थी, ठीक है। लेकिन कोई क्रिया कब से हो रही थी, यही बस प्रश्न डाल देंगे वहां पर कि कोई क्रिया कब से हो रही थी। यही जानने की जब आपकी इच्छा हो जाएगी कि कोई घटना कब से घट रही थी, तो केवल ये कब से क्वेश्चन कर देना ही आपका जवाब दे देता है कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, 5 साल से, 5 बजे से, ये शब्द बोलना ही आपका क्या कहलाता है, आपकी कंटिन्यूटी का टाइम ऑफ टाइम दे दिया, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। माने कोई क्रिया लंबे समय से हो रही है, ऐसा हिंदी का बोध कराए तो हम वहां पर उस सेंटेंस को, अगर वो पास्ट में हो रही थी तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम पर बनाते हैं। दोस्तों, इस रूल पर मैं चर्चा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर भी किया था, मैंने वहां पर आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी बताया था। ठीक वही टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, बनाने का बस रूल थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब की वजह से बदल जाता है, नहीं तो सेंटेंसेस कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में होते हैं ये मैं आपको पहचान बता दिया हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं इसका टाइटल लिखने जा रहा हूँ, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का आप हेल्पिंग वर्ब बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, होता है आपका HAD हैड, और कौन से फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वो आपका थर्ड फॉर्म का हैड प्लस BEEN बीन। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा मैं कैसे जोड़ रहा हूं, इसी से हेल्पिंग वर्ब कैसे निकाल लेते हैं। बाय द वे, आप भूल गए, सपोज दैट यू फॉरगॉटन द रूल्स आर हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस, देन हाउ विल यू रिगेन द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द टेंस। I am going to make you understand about the terms and conditions of past perfect continuous sentence helping verbs. Okay? So, this is the helping verb of had been, past perfect. Had is the helping verb, been is the third form of the action. So, past perfect का sublimation had been से हुआ, अब continuous क्या मांग करता है? Action में ing का, action, actioning. Clear यहां तक? Had been actioning. याद है, क्लियर। अब आगे क्या क्लियर करना है आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने क्वेश्चन किया था कि कोई क्रिया कब से हो रही है,
उस समय जानने के लिए, उस कब से के लिए, शेष शब्द की पूर्ति के लिए जब से वह क्रिया हो रही है हमको दो शब्दों से होके गुजरना पड़ता है। प्रायः कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, जरा ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर गुजरना पड़ता है तो वो कौन है दोनों शब्द? SINCE सिंस है तो दूसरा F1 फर है, ठीक है, एक सिंस और दूसरा फर। दोनों की अगर हिंदी की बात करें तो ये से शब्द की बात करते हैं, अर्थात से शब्द का मीनिंग देते हैं अपने आप में। दोनों का प्रयोग अलग अलग है, कब सिंस का कब फार का, ये भी मैं आपके सामने भी रखूंगा, ठीक है। फिलहाल टाइटल है आपके सामने हैड बीन एक्शन चेंज ऑफ फार। इसको याद करेंगे तो आप जिंदगी में कभी इस नियम को भुलाएंगे ही नहीं, जहां तक मुझे विश्वास है। तोड़ तोड़ के जहां पढ़ना चालू किए तब तो फंस जाएंगे, पूरा मेरा गारंटी है कि आप भूल जाएंगे। तो आप कब नहीं बोलेंगे? तो ऐसे में नहीं बोलेंगे, देखिएगा, हैड बीन एक्शन सिंस ऑफ फार, हैड बीन एक्शन सिंस ऑफ फार। हमेशा यहां से लेके यहां तक के पोर्शन को एक बार में रखिए और इस हैड को बिल्कुल अलग रखिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर पर जब हम चलेंगे तो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर पर ये चीज आपका टूटता रहता है, अर्थात कभी इधर तो कभी उधर, लेकिन ये चीज हमेशा एक साथ रहता है। हैड कभी कोई सब्जेक्ट के पहले आता है तो कभी सब्जेक्ट के बाद में आता है। आप इस पर कमांड बनाने के लिए कैसे बोलेंगे? हैड बीन एक्शनिंग सिंस ऑफ फर, हैड बीन एक्शनिंग सिंस ऑफ फर, हैड बीन एक्शनिंग सिंस ऑफ फर। कोई दिक्कत? विश्वास है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्लियर करते हैं कैसे सिंस और कैसे फा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम सिंस का प्रयोग कब करेंगे? SINCE सिंस और F1 फार फार। दोनों का हिंदी क्या मैंने अभी बताया आपको? से का ये भाव देते हैं हिंदी भाषा के हिसाब से, लेकिन उतना पीछे मत जाइए आप सीधा फार और सिंस से समझने का प्रयास करिए, इंग्लिश को जोड़ने का प्रयास करिए। हम सिंस तब कहेंगे जब आपको कहना होगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी होगी, कोई क्रिया किसी भी निश्चित समय से हो रही थी तो हम वहां पर सिंस का, कोई क्रिया किसी अनिश्चित समय से हो रही थी लेकिन समय लंबा था तो हम वहां पर से के लिए फा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए सिंस पर करते हैं। जैसे आपको कहना हो कि सोमवार से, तो आप वहां पर बोलेंगे SINCE सेंस MONDAY मंडे, सेंस मंडे। वहीं पर आपको कहना है कि कोई क्रिया फेब्रुवरी से हो रही थी तो हम वहां पर यूज करेंगे SINCE सेंस February फेब्रुवरी, सेंस फेब्रुवरी। वहीं पर आपको कहना है कोई क्रिया 2014 से हो रहे थे तो वहां पर हम बोलेंगे SINCE सिंस 2014। क्या बोलेंगे भाई? वहीं पर अभी आपको कहना है कि कोई क्रिया आपका 10 बजे से हो रहे थे तो हम वहां पर बोलेंगे सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock या सिंस 10 a.m. ठीक है। अब इसके अलावा और भी शब्द है, नीचे से दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी इसे मिटा के लिखूंगा, लेकिन इसके रेफरेंस में फा क्या कहता है जरा इसको देख लीजिएगा। अगर आपको कहना है कि सिंस मंडे, लेकिन यहीं पर आपको कहना है कि 4 दिन से, तो आप वहां पर 4 दिन से के लिए क्या यूज करेंगे? फार फोर डेज, फार फोर डेज। इसके नीचे नहीं दिख रहा है ना सर, इसके नीचे दिखेगा अभी? तो यदि आपको कहना है कि फा फोर डेज तो हो जाएगा वहां पर 4 दिन से, इसके रिफरेंस। वहीं पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर दिनों का नाम दिया तो वो सिंस है, अगर दिन शब्द दे दिया तो वो फा की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं शब्द बहुत विशेष बोल रहा हूं आपके सामने। यदि मैं कहूं कि आपका संडे से, तो आपका सेंटेंस एक फ्रेज लेके आएगा सिंस संडे। वहीं पर यदि है कि जनवरी से तो सिंस जनवरी, वहीं पर यदि है आपका 2015 से तो सिंस 2015 बोलेंगे, लेकिन इनके रेफरेंस में इनके दिनों महीनों और वर्षों शब्द लगा के हिंदी अगर बोल दिया जाए कि 4 दिन से, 2 दिन से, 10 दिन से, 20 दिन से, तो ये निश्चित नहीं है शब्द कि वो 20 दिन की शुरुआत कौन से शब्द दिन से हुई थी, क्योंकि वो अपने आप में क्या है? अनिश्चित है, लेकिन समय लंबा है। ये भी लंबे समय की बात कर रहा है, ये भी लंबे समय की बात कर रहा है, अंतर किसकी मैं बात कर रहा हूं? इसकी निश्चितता की, होने की। इसकी निश्चितता है सोमवार से तो वो सोमवार आप पता कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 दिन से कहूं तो वो 4 दिन कब जाके शुरू हुआ ये थोड़ा कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन समय लंबा है। ध्यान दीजिएगा, फॉर 4 डेज, वहीं पर आपको कहना है कि 2 महीने से, तो आपका हो जाएगा फॉर
टू मंथ्स। अगर इसके रेफरेंस में बात करें तो आपने लिखा है कि सिंस 2014, यहीं पर हम बात करें कि तीन साल से, तीन वर्ष से। तो देखिए, साल या वर्ष शब्द जैसे ही हिंदी में दिमाग में आए आपके, फट से आप वहां पर दिमाग को सेट करिए, इट्स नॉट टेकिंग योर सेंस, इट्स टेकिंग फॉर, एफ ओ आर फॉर। जैसे ही साल या वर्ष शब्द दिमाग में आए कि फट से वहां पर फा को याद करिए। अगर नाम उसका दे दिया तो तुरंत वहां पर वो सिंस की बात करता है, सिंस 1991, सिंस 1992, सिंस 1947। ऐसे शब्द की जब बात करेंगे तो ये सिंस की बात करता है। अगर उसके जगह पर वर्ष या साल की बात होगी तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा चार साल से, तो हो जाएगा सिंस सॉरी फॉर फोर इयर्स। ठीक है, वही बात करे थे आप। अगर बजे शब्द दिया तो बजे शब्द हमारा सिंस की बात करता, वही घंटा कह देंगे अगर हिंदी में, तो वो घंटा देख के ही पकड़ लीजिएगा हिंदी में कि वो घंटा फा की मांग कर रहा है। अगर बजे कह दिया आपने तो वो सिंस की मांग कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ इसके रेफरेंस में कि 10 बजे तो सिंस 10 ओ क्लॉक या सिंस 10 AM, सिंस 10 PM हो जाएगा। अगर वही पर आपने कह दिया होगा कि 10 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, तो ये बात करता है फा टू टू आवर्स की बात करता है। ठीक है, अब कुछ और शब्द है जो इसमें गिने चुने होते हैं, जैसे आपको कहना हो सुबह से सिंस मॉर्निंग, उसको आप इसी में लिखेंगे। ठीक है, वही आप कहेंगे दोपहर से तो सिंस नून, इवनिंग से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट, दिन से सिंस डे, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, ये शब्द आपके इसमें क्या है, सिंस के साथ में है। कोई दिक्कत? मुझे विश्वास है आपको दिक्कत नहीं होगा। ये मैं सिंस और फा के कंफ्यूजन को सॉल्व किया। अब आपको मैं लेके आता हूँ सीधे रूल पर। तो रूल क्या कहता है बनाने का, आप जैसा कि पहले से ही फैमिलियर होंगे कि मैं आपको सेंटेंस बनाने का तीन नियम, तीन सेंटेंस बनाने का तरीका सिखाता हूँ। अब चूंकि आपको मैं काइंड ऑफ सेंटेंस नहीं पढ़ाया हूँ और टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अभी चर्चा कर रहे हैं किस पर, कि अभी हम सेंटेंस को कैसे बेसिकली हम बोल चाल के भी हिसाब से हम कैसे किसी से प्रश्न कर ले और उसका जवाब तुरंत पा ले। बड़े क्वेश्चनों की तरफ नहीं जाना है, शुरुआत में बड़े क्वेश्चनों को हल करने के चक्कर में आप कई बार जो है कि आप उससे थक जाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, आप उलझने लगते हैं, यार किसको कहां रखो, कैसे करो, आप छोड़ देते हैं पढ़ना है। अब घबराइए मत, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, यस नो टैग क्वेश्चन से क्वेश्चन करने का तरीका कहता है कि आप सबसे पहले क्या करिए, हेल्पिंग वर्ब रखिए। किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट के नंबर को भी देखना पड़ता है। सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की मांग करता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये कई हेल्पिंग वर्ब है, कोई झंझट नहीं कि सिंगुलर है कि प्लूरल, अर्थात दोनों के साथ हम हेड का ही प्रयोग करते हैं। ये समस्या हमारे दिमाग से हट गई कि इस टेंशन हमको हेड का यूज करो कि कुछ और यूज करो, किसको देख के, घबराइएगा मत बिल्कुल। अब क्वेश्चन यदि आपको करना होगा कि क्या वे लोग कोई काम लंबे समय से कर रहे हैं, अर्थात अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि क्या रजनीश 4 घंटे से पढ़ा रहे हैं, क्या रजनीश 4 घंटे से पढ़ा रहे थे इन पास्ट, आई एम वेरी सॉरी, क्या रजनीश 4 घंटे से पढ़ा रहे थे, में आइए सेंटेंस की एनालिसिस करें। कभी भी एक सेंटेंस आपके सामने आए तो आप घबराया मत करिए, बिल्कुल आप शुरू से पढ़ रहे होंगे तो उस सेंटेंस का एनालिसिस करिए। मैंने आपसे कहा था कितना से बड़ा हिंदी का सेंटेंस हो, आप उस हिंदी के सेंटेंस के सबसे पहले अंत में जाइए, अंत से उसका पता ठिकाना लीजिए और तब जाके आप उसके रूल्स की बात करिए। ठीक है, तो हमारा रूल्स क्या कहता है, क्या रजनीश पढ़ा रहे थे, हिंदी लिख नहीं रहा हूं, क्या रजनीश पढ़ा रहे थे, ये साधारण पास्ट कंटिन्यूअस में है, लेकिन मैं कहूं कि क्या रजनीश 4 घंटे से पढ़ा रहे थे, ये समय की मांग कर दिया यहाँ पर, तो क्या रजनीश 4 घंटे से पढ़ा रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है। क्या रजनीश को देख के क्या के लिए क्या लिखा जाएगा, है, हमने हैड लिखा यहाँ पर। ठीक, फिर क्या मांग करता है हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट भी लिखा यहाँ पर। फिर क्या मांग करता है, उसके बाद चाहिए आपको एक्शन, ध्यान दीजिएगा हैड प्लस सब्जेक्ट, एक्शन के भाग में आपको यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होना पड़ता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का भाग ये बिल्कुल आपको एक्शन वाले भाग में एक साथ रखना रहता है, इसको तोड़ना आपको कहीं नहीं है। बहुत बार सेंटेंसेस गलती करते हैं लड़के एग्जाम के दौरान में, मैं देखा हूँ कि वो हैड के साथ और बीन को दोनों को एक साथ लिख देते हैं, वहीं से आपका एक पॉइंट कट जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो हैड और बीन दोनों
टूटे हुए रहते हैं, अर्थात दोनों सेपरेट रहते हैं सब्जेक्ट के बाद में। और ये पोर्शन याद करिए ना, आप क्यों घबरा रहे हैं, आप इसको याद रखिए। क्वेश्चन करेंगे तब, जवाब देंगे तब, निगेटिव में बोलेंगे तब, इतनी बात हमेशा एक साथ आएगी, वो कभी टूटेगी नहीं। जहां तोड़ने का प्रयास किए कि तुरंत सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत और आपको बोलने में भी दिक्कत होगा वहां पर, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन एक्शनिंग, बीन एक्शनिंग सेंस आर फॉर क्वेश्चन मार्क, हेड प्लस सब्जेक्ट बिन एक्शनिंग सेंस फॉर। क्या रजनीश सेंटेंस हमारा है कि क्या रजनीश चार घंटे से पढ़ा रहे थे। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं इस पर एक एग्जांपल के लिए। हैड रजनीश बिन टीचिंग, एक्सक्यूज मी, हैड रजनीश बिन टीचिंग कब से, तो चार घंटे से। बताइए घंटा शब्द पहले बताया ना कि फा की मांग करता है। एक्सक्यूज मी, हैड रजनीश बिन टीचिंग फॉर फोर आवर्स, फॉर फोर आवर्स क्वेश्चन मार्क, ध्यान दीजिएगा। हैड रजनीश बिन टीचिंग फॉर फोर आवर्स, क्या रजनीश चार घंटे से पढ़ा रहे थे। कुछ और ले लीजिए यहीं पर, क्या वे लोग चार घंटे से दौड़ रहे थे। हैड द बिन रनिंग, हैड बिन रनिंग, Had they been running for 4 hours, for 2 hours, for 3 hours, कुछ भी ले सकते हैं। क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा था। Had he been, had he been, ये थोड़ा फ्लुएंट में बोलने का तरीका मैं अभी आपके सामने बोला, had he been, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा था। Had he been reading since 2 o'clock, had he been reading since 2 o'clock, क्या वो 2 बजे से पढ़ रहा था। ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने पुट किया, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। सेंटेंस का आप जवाब कैसे देते हैं जरा उस पर आप चर्चा कर लें। जब ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देते हैं कि क्या वे लोग कोई कार्य कर रहे थे, इतने समय से कर रहे थे, तो ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देते समय सबसे पहले क्या मांगता है, सब्जेक्ट। अब ऐसा स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट की मांग करता, हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर क्या मांग करता है, हेल्पिंग वर्ब की। हमने इसको देख के हैड लिखा, अब यहां से सीधा यही से बनता है भैया क्वेश्चन और जवाब और निगेटिव। तो हमने सब्जेक्ट लिखा, अब इसके बाद क्या करेंगे, पूरा यहां से यहां तक कॉपी कर देंगे। है सब्जेक्ट हैड बीन एक्शनिंग सिंस अफर, हाँ सर बात सही है, वह 2 घंटे से खेल रहा था, खेल रहा था। He'd been playing for 2 hours. हाँ सर, वे लोग 4 बजे से दौड़ रहे थे। Yes sir, they'd been running for 4 o'clock, for 4 a.m. For 4 a.m. फार, देखिए फार नहीं होता है, एक दिन मैं प्रोनाउंसिएशन का पूरा लेके चलूंगा वीडियो, उसमें मैं सिंपल जितने भी प्रपोजिशंस हैं और भी कोई शब्द हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा, जिस पर कैसे किसी को प्रोनाउंस करे शब्दों को, ये भी बहुत मायने रखता है। देखिएगा कभी ए आन ये सब चीजें होती है, इसको भी हम लोग गलत बोल देते हैं। कभी एफ आर फार है, ओ एफ आफ है, इसको फार आप ये शब्द का हम प्रयोग ना करें, कैसे इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एक अच्छे प्रोनाउंसिएशन लेवल पर, हम उसकी चर्चा करेंगे उस वीडियो के माध्यम से। फिलहाल ध्यान देंगे, देव बीन रनिंग सिंस 2 o'clock, वे लोग 2 बजे से दौड़ रहे थे। इस पर जाएगा, अगर आपको निगेटिव में सेंटेंस बनाना होगा कि नहीं सर गलत बात है, किसने कहा दिया आपसे, वे लोग 4 घंटे से कोई क्रिया नहीं कर रहे थे, वे लोग 2 बजे से कोई क्रिया नहीं कर रहे थे, तो हम वहां पर सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट ही रखेंगे। आप जानते हैं कि नाट कभी भी अकेले नहीं आता है, जब आता है किसके साथ, हमेशा आता है अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ किसी भी टेंस में। अब इस टेंस में हम बात करें तो हेड के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, नाट। अब देखिए गलती कहां करते हैं आप, एग्जामिनेशन के दौरान में आप नाट को खोजते हैं हेड और बिन के बाद में। जैसे हेड बिन के बाद में नाट खोजेंगे वैसे ही सबसे बड़ी मूर्खता आपसे होगी। मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप एनओटी नाट कभी भी अपने मुख्य हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है, उसके सिवाय कहीं और लेके उसको मत जाइएगा। तो सेंटेंस बनेगा आपका, सब्जेक्ट हैड नॉट बिन, सब्जेक्ट हैडन बीन। अब इसके बाद क्या हुआ, हैड नॉट बीन एक्शनिंग सिंस अफर, सीधा कॉपी कर दीजिए, बीन एक्शनिंग सिंस स्लैश
था, ठीक है? नहीं सर, वह 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था, मैंने देखा था, वह 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था। He had not been running for 2 hours. नहीं सर, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा था। He had not been reading since 4 a.m. ऐसे लाखों हिंदी के सेंटेंसेस होंगे, आप उसको ठीक इसी रूल पर बनाएंगे, सिंगुलर हो तब, चाहे प्लूरल हो तब, ठीक है? अब मैं कुछ सेंटेंस बोल दे रहा हूँ, आप इनके माध्यम से बनाने का प्रयास करिएगा, एक्शन नहीं दूंगा। सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, चूंकि वीडियो है, आप वीडियो को रोक के पॉज करके आप सेंटेंसेस को आप अपने कॉपी पर डायरेक्ट इंग्लिश में बनाइएगा, हिंदी में लिखिएगा मत, कान में सुनिएगा हिंदी में, लेकिन कॉपी पर वो निकलना चाहिए इंग्लिश में। ये होता है टेक्निक पढ़ने का, लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको फंसने लगेंगे। वैसे आप सीधा सुनिए कान से, लेकिन उसको बोलिए, लिखिए कॉपी पर अंग्रेजी में, ठीक है? सेंटेंस लिखिएगा, क्या श्यामा 4 बजे से पढ़ रहा था? दूसरा, क्या सर्वेश जनवरी से IAS की तैयारी कर रहा था? तीसरा है, क्या वे लोग अकेले 3 दिन से घूम रहे थे? नेक्स्ट लिख लीजिएगा, क्या प्रमोद 2 घंटे से काम कर रहा था? एक और लिख लीजिएगा, क्या लड़कियां 2 घंटे से बर्तन धो रही थी? ठीक है, दैट्स इट।